नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि IVF करते वक्त हमें कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने चाहिए, एक, दो या तीन। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग 3 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। कई स्टडीज़ हुए हैं जो सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र या सेट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज कंसिडर्ड बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी रेट्स, जुड़वा, ट्रिपलेट्स कम होती हैं और ये मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ नॉट गुड फॉर आदर द बेबीज और मदर। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, बट ये हम एक ब्लैक एंड वाइट रूल हर कपल के लिए नहीं रख सकते हैं। कई बार जो ये स्टडीज जितने भी हैं, आप इंटरनेट, गूगल, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स आप देखते हैं, दी मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज आर डन ऑन कोकेशियन, मतलब वेस्टर्न वाइट पॉपुलेशन। ये जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं जिसके बेसिस में हम लोग एक कंक्लूजन लेते हैं और उन स्टडीज़ को लेके हम इंडियन पेशेंट्स में भी लागू करते हैं। इंडिया में भी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं कि सिंगल एम्ब्रियो और डबल एम्ब्रियो में कौन सा बेटर है, बहुत कम है, 1 और 2, एंड दे हैव सेड सिंगल एम्ब्रियो इज एज गुड एज डबल एम्ब्रियो, बट ये वॉल्यूम ऑफ स्टडी इज नॉट वेरी हाई। दैट मीन्स ज़्यादा पेशेंट्स में ये स्टडी नहीं हुआ है, ज़्यादा सेंटर्स से स्टडीज़ नहीं आई हैं, जितना स्टडी वेस्टर्न लिटरेचर में है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में है। अब दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि हम एक वेस्टर्न पेशेंट, एक वाइट इंडिया वाइट लेडी और एक इंडियन जिसको इंग्लिश में साउथ साउथ ईस्ट एशियन लेडी कहते हैं, इनका सब पैरामीटर्स बॉडी डायनामिक सेम नहीं है। कई स्टडीज आई हैं स्पेन से कि दोनों का एग रिजर्व अलग है, स्पेन से, जॉन हॉपकिंस से, यूसी बर्कली से, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशनल रिसर्च एरिया से जिसमें इम्प्लांटेशन का भी डिफरेंस बताया गया है साउथ एशियन वेमेन और वाइट वेमेन में। तो आर वी जस्टिफाइड कि हम सब यहाँ का डेटा हमारे इंडियन पेशेंट्स में अप्लाई कर पाए? मेरे हिसाब से नो। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हमारा अनपब्लिश्ड डेटा है दैट आवर सिंगल एम्ब्रियो इन इन मैनी वेमेन डोंट डू एज वेल एज डबल एम्ब्रियो। नाउ हमारे सेंटर में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, मल्टीपल जगह से फेलियर्स, थिन एंडोमेट्रियम, एडवांस्ड एज। सो हम इनमें वी एडवाइज मिनिमम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर्स, जबकि फेलियर हो चुका है उसमें भी वी सी कि मेजॉरिटी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, फिर भी IVF में बेस्ट प्रेगनेंसी रेट आप 50, 55, 60% कह सकते हैं। सो इन माई ओपिनियन आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उन लेडीज में कीजिए जो यंग हैं, जो फिट हैं, जिनके पास बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, जिनकी IVF फेलियर्स नहीं हुई हैं, और उनमें भी फ्रोजन ट्रांसफ़र इज़ बेटर देन फ्रेश। बाकी सब कैटेगरी में ओल्डर वेमेन जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिनके पास मल्टीपल फेलियर्स हो चुकी हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ट्रांसफ़र 2 एम्ब्रियोज। इन मोर देन 3-4 फेलियर केसेस वी इवन रेकमेंड ट्रांसफरिंग 3 एम्ब्रियोज। सो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज टू बी ट्रांसफर्ड इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट प्रोफाइल एंड शुड बी डिस्कस्ड बिफोर। तो अगर हम से डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो रिजल्ट्स विल बी 2 और 3,
will be 50 to 60% in the best case scenario in one embryo transfer attempt in very good prognosis patient, बहुत अच्छा profile जिनका है, young है, बहुत कुछ ठीक है, 80-90% in cumulative cycles, but in less prognosis, that means embryos उतने अच्छे नहीं है, endometrium उतनी अच्छी नहीं है. Maximum pregnancy rate we can give them is cumulative, 2 to 3 attempts, 50 to 70%. उसमें भी जो positive होंगे, मेजॉरिटी में भी सिंगल प्रेगनेंसी, ये नहीं कि आपने दो एम्ब्रियो डाला तो सब ट्विंस होंगे, एंड सम विल बी ट्विंस, वेरी फ्यू माइट बी ट्रिपलेट्स. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब पेशेंट से एम्ब्रियोज, पेशेंट इंटरनेट देख के बहुत इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, ये जायज है कि इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दे विल गो थ्रू इट, दे विल डिस्कस विद यू, बट यू सेट द प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू योर सेंटर्स प्रेगनेंसी रेट्स एंड आउटकम एंड डिस्कस विद द पेशेंट एंड गिव देम द बेस्ट पॉसिबल आउटकम एज पॉसिबल. थैंक यू.